हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम कुबरनेटीज के लैब के लिए कुबरनेटीज की इंस्टॉलेशन और सेटअप के बारे में देखेंगे। कुबरनेटीज के 5 to 6 कंपोनेंट मास्टर के इंस्टॉलेशन के लिए होते हैं। इसके इंस्टॉलेशन के दो मोड हैं, या तो सेम कंपोनेंट एक ही नोड पर इंस्टॉल कर दो, लाइक एम इंस्टॉल क्यूब सीटीएल, एम इंस्टॉल कुबरनेटीज कंट्रोलर, एम इंस्टॉल कुबरनेटीज ईटीसीडी, या फिर हर कंपोनेंट के लिए अलग अलग कंटेनर यूज कर लो। यानी कुबरनेटीज मास्टर पर होस्ट बेस्ड इंस्टॉलेशन ना करके कुबरनेटीज मास्टर के ऊपर कंटेनर बनाओ और हर कंटेनर में अलग अलग सर्विस इंस्टॉल कर लो। और कुबरनेटीज भी यही रिकमेंड करता है कि आप कंपोनेंट स्पेसिफिक कंटेनर बनाओ। तो अभी हम एक कुबरनेटीज मास्टर नोड लेंगे, उस पर डॉकर डालेंगे और उसके ऊपर कुबरनेटीज मास्टर के हर कंपोनेंट की इमेज पुल करके कंटेनर डिप्लॉय करेंगे। तो ऑलमोस्ट 6 कंटेनर डिप्लॉय होंगे। वो कौन कौन से कंटेनर्स होंगे? एक जैसे हमारा हो जाएगा कुबरनेटीज कंट्रोलर के लिए, एक ईटीसीडी के लिए, एपीआई के लिए, कुबरनेटीज शेड्यूलर के लिए, डीएनएस के लिए एक, और एक एसडीएन के लिए। एसडीएन का मास्टर स्विच जहां से बैठकर पूरा डेटाबेस मेंटेन करेंगे। क्यूब प्रॉक्सी एंड क्यूबलेट का डायरेक्टली होस्ट बेस्ड इंस्टॉलेशन कर देंगे। ये एजेंट है, ये हमेशा डायरेक्टली होस्ट ओएस के ऊपर चल रहा होता है, ये कंटेनर के अंदर रन नहीं होता। क्यूबरनेटीज ओपन सोर्स है, ये गूगल का प्रोडक्ट है। कंटेनर टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए गूगल ने इसे डेवलप किया था। स्टार्टिंग में ये कॉपीराइट प्रोडक्ट था, अभी ये ओपन सोर्स प्रोडक्ट है। क्लाउड में जाओगे तो क्लाउड में कुछ कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जो पहले से कुबरनेटीज का वीएम्स बनाकर देती हैं, यानी पहले से इंस्टेंस सेटअप है, इनमें कुबरनेटीज पहले से इंस्टॉल होता है, जैसे AWS सेल करता है। गूगल क्लाउड में भी इसी तरह से इंस्टेंस सेल होते हैं। तो हम 3 AWS इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। जब कुबरनेटीज मास्टर का इंस्टॉलेशन डायरेक्टली ओएस बेस्ड करते हैं तो वहाँ डॉकर की नीड नहीं होती है। डॉकर वहाँ चाहिए जहाँ कंटेनर चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 नोड्स ले लेते हैं। एक को मास्टर बना लेंगे और 2 हमारे क्लाइंट होंगे जिन्हें बोलते हैं कुबरनेटीज नोड, जिसका नाम हो जाएगा हमारा Node 1 and Node 2। तो हम क्लाउड पे चलते हैं, लॉन्च इंस्टेंस, फ्री टियर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, जो इंस्टेंस आप यूज करोगे उसके लिए आईपी टेबल का वर्जन 1.4 से एबव होना चाहिए। इस वाली मशीन को हम यूज करते हैं, 3 इंस्टेंस ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे तीनों नोड्स अब आ चुके हैं। तो मैं एक नोड को इसमें से पहले मास्टर बना लेता हूँ, तो फर्स्ट नोड में पहले पिक करता हूँ, बाकी 2 नोड को Node 1 and Node 2 दे देता हूँ। मास्टर नोड की पब्लिक आईपी ली हमने, पुट्टी से लॉगिन लेंगे। कुछ सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं इसका, होस्ट नेम सीटीएल सेट होस्ट नेम मास्टर। तो सबसे पहले मास्टर नोड लॉगिन ले लिया हमने। आपको जैसे इमेज का नाम नहीं पता कि शेड्यूलर की इमेज क्या है, ईटीसीडी की इमेज क्या है, एपीआई की इमेज क्या है, तो इन्होंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट दे रखी है, बट ये स्क्रिप्ट एक पैकेज के अंदर होती है। उस पैकेज को डालने के लिए कमांड होती है। सबसे पहले हम एक रेपो बनाएंगे, cd etc em.repos.d, और एक रेपो बना लेते हैं इसके अंदर, kubernetes.repo। तो यहाँ पे मैं एक रेपो बिल्डअप कर रहा हूँ। ये RPM कुबरनेटीज का नहीं है, ये बस केवल वो कमांड दे रहा है जिसके थ्रू आप इमेज
एक बार में पुल कर सकते हैं। तो ये पैकेज कहाँ पड़ी है, तो गूगल कर लेते हैं, क्यूबरनेटीज एडमिनिस्ट्रेशन कमांड इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देखेंगे सेंटोएस, आरएचएल और फेडोरा के लिए टैब है, इस पर क्लिक करेंगे और जीपीजी चेक तक का कोड हम कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमें जीपीजी चेक नहीं करना है, तो इसको जीरो कर लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये स्क्रिप्ट रेपो से आएगी, ये रेपो कहाँ से आएगी वो मैंने आपको दिखा दिया। एक क्यूबरनेटीज का आता है मिनी क्यूब, इसको कहते हैं ऑल इन वन। एक ही मशीन में ATCD, कंट्रोलर, API, शेड्यूलर, DNS सब कुछ इंस्टॉल कर देता है ये, और मास्टर क्लाइंट सब कुछ एक ही मशीन पर चलता है। ये लर्निंग पर्पज के लिए होता है, लाइक 3 VMs नहीं है अगर आपके पास तो आप लर्निंग के लिए मिनी क्यूब का यूज कर सकते हैं। ये कभी प्रोडक्शन के लिए इंटरप्राइज सेटअप में यूज नहीं किया जाता। तो अब हम कमांड यूज करेंगे, यम इंस्टॉल क्यूब एडियम हाइफन वाई। ये तो एक एडमिन कमांड है जिसके थ्रू हम कुबरनिटीज इंस्टॉल करेंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं क्यूब एडीएम ने क्या क्या इंस्टॉलेशन किया है। यहाँ पे हम चलते हैं सबसे ऊपर जहाँ पे हमने कमांड चलाया था, यहाँ पे हमने कमांड चलाया था यम इंस्टॉल क्यूब एडीएम हाइफन वाई। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये सारी डिपेंडेंसीज रिजॉल्व होनी है, इसके लिए इंस्टॉलेशन होंगे वन बाय वन, और यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हो गई है और वो इंस्टॉलेशन वेरीफाई भी है। इंस्टॉलेशन में जैसे कि हम देख रहे हैं क्यूबनिटीज CNI, क्यूबलेट, क्यूब CTL, क्यूब ADM, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्यूबलेट भी इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्जन हमारा 1.4 से एबव है। क्यूबनिटीज में रोलिंग अपडेट भी अवेलेबल है, वन टाइम मीन्स जीरो डाउन टाइम में एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर वर्जन अपग्रेड एंड डी अपग्रेड रन टाइम पर पॉसिबल है। ये रोलिंग अपडेट फीचर के थ्रू ही पॉसिबल होते हैं। ये डिप्लॉयमेंट की वर्जनिंग भी कर लेता है। लाइव में देखेंगे आगे, जब एंसिबल और कुबरनिटीज नहीं था तो रोलिंग अपडेट हम मैनुअली करते थे, पैचिंग करते थे, देन टेस्टिंग करते थे, और टेस्टिंग सक्सेस होने पर उस मशीन को बैलेंसर में ऐड कर देते थे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में, डॉकर इंस्टॉल कर लेते हैं, यम इंस्टॉल डॉकर हाइफन वाई। डॉकर को ऑफ कर लेते हैं, सिस्टम CTL स्टार्ट डॉकर इनेबल डॉकर। क्यूबरनेटीज किसी नोड को क्लस्टर से ज्वाइन कराने के लिए एक टोकन देता है, ऐसे कोई नोड आकर क्लस्टर को ज्वाइन नहीं कर सकता, और इस टोकन का एक ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स, उसके बाद ये टोकन एक्सपायर हो जाता है और हमें न्यू टोकन जनरेट करना होता है। अगर आप उस टोकन की वैल्यू जीरो कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड हो जाएगा। तो क्यूबरनेटीज नोड को क्लस्टर से ऐड कराने के लिए सबसे पहले हम क्यूब एडीएम पे इनिशियलाइजेशन की कमांड चलाते हैं, जैसे कि क्यूब एडीएम इनिट। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक वार्निंग आ रही है कि नंबर ऑफ अवेलेबल CPU 1 इज लेस देन द रिक्वायर्ड 2। तो इसके लिए मिनिमम 2 CPU की नीड होती है। साथ में एक नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है हाइफन हाइफन इग्नोर प्री लाइट हाइफन एरर इक्वल टू ऑल देंगे, तो इस वार्निंग को ये इग्नोर कर देगा और हम इससे सर्विस को रन कर पाएंगे। अगर आपने कुबरनिटीज इनिट कमांड के साथ कोई आर्गुमेंट डिफाइन नहीं किया, तो डिफॉल्ट नेटवर्क, डिफॉल्ट सर्विस की रेंज, डिफॉल्ट टोकन टाइम लाइक 24 आवर्स, ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पिक कर लेता है। तो हम कमांड यूज करेंगे इनिट के बाद इक्वल टू ऑल कर देंगे। इस टोकन को हम कॉपी करके रख लेते हैं, अभी जब हम नोड को क्लस्टर से ऐड कराएंगे तो इस टोकन की हमें नीड पड़ेगी। तो
तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई दे रही, योर कुबरनेटीज कंट्रोल प्लान हैज इनिशियलाइज सक्सेसफुली। इसके बाद लिखा है टू स्टार्ट यूजिंग योर क्लस्टर यू नीड टू रन द फॉलोइंग एज अ रेगुलर यूजर। मतलब कुबरनेटीज में जो बंदा वर्क करेगा पहले उसे एपीआई टोकन लेना पड़ेगा, और एपीआई टोकन कहाँ रखा हुआ है, etc.kubernetes.admin.com। जिस सिस्टम से काम करना है उसके होम में ये .kube/config फोल्डर क्रिएट करेंगे, .kube का, और config फाइल कॉपी कर देंगे। इसके बाद क्लस्टर में आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने यूजर के होम में चलते हैं, cd root। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाएंगे mkdir.kube, और उस फाइल को हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे, cp /etc/kubernetes/admin.conf.kube। अब हम इसके अंदर कोई भी कमांड परफॉर्म कर सकते हैं। क्यूबरनेटीज में जो कमांड स्टार्ट होती है वो kubectl से होती है। kubectl कमांड से पूरा क्लस्टर मैनेज होता है। सबसे पहले कमांड चलाते हैं kubectl गेट नोड। तो अभी इसमें कोई नोड नहीं है। अब यहाँ API पोर्ट नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे हमें IP मिल गई, पोर्ट मिल गया। ये पोर्ट कहाँ चल रहा है सिस्टम में, इसके लिए हम इस पोर्ट को नेटस्टेट कर लेते हैं। क्यूबरनेटीज में डिप्लॉयमेंट नेम स्पेस के बेस पर होता है। अगर क्यूबरनेटीज में नेम स्पेस नहीं होते तो फिर हम दो कंपनी के डिप्लॉयमेंट को अलग नहीं कर पाते, तुम्हारे कंटेनर और हमारे कंटेनर आपस में एक दूसरे को दिखते। इसे आइसोलेट करने के लिए कि दोनों के डिप्लॉयमेंट आपस में कंफ्लिक्ट ना हो, क्यूबरनेटीज में नेम स्पेस ना होते तो हम रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग ना कर पाते। इंटरप्राइज सेटअप में नेम स्पेस आने से क्या बेनिफिट हुआ, यूजर एक्सेस, यूजर डेलीगेट करना, रोल देना उनके लिए, इस पर एम्प्लॉय वन एंड इस पर एम्प्लॉय टू काम कर पाए, इस नेम स्पेस के अंदर आने वाले कंटेनर मैक्सिमम कितना सीपीयू ले पाए। क्यूबरनेटीज में 2 से 3 नेम स्पेस बन जाते हैं इंटरनली। ओपनशिफ्ट में प्रोजेक्ट बोलते हैं और क्यूबरनेटीज में नेम स्पेस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, बाकी पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।